नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। आज 8 नवंबर है, साल के 11वें महीने का ये 8वां दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। हिलेरी डायन रोडहम क्लिंटन अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत की जूनियर सेनेटर हैं। वो अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हैं और साल 1993 से 2001 तक अमेरिका की प्रथम महिला रही हैं। हिलेरी 2008 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की अग्रणी उम्मीदवार भी रही थीं। आज ही के दिन 8 नवंबर साल 2000 को बिल हिलेरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क सीट पर जीत दर्ज कर इतिहास रचा था। विल्हम कॉनरेड रॉजर ने मानव को त्वचा और मांसपेशियों को काटे बिना शरीर के अंदर झांकने की ताकत दी थी। आज ही के दिन 8 नवंबर साल 1895 जर्मन भौतिक शास्त्री विल्हम कॉनरेड रॉजर ने एक्सरे की खोज की थी। चिकित्सा इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है। विल्हम कॉनरेड रॉजर भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता थे। 8 नवंबर का दिन देश की अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक खास दिन के तौर पर दर्ज है। आज ही के दिन 8 नवंबर साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक रात 8 बजे नोटबंदी का ऐलान किया था। इसी ऐलान के बाद 1000 और 500 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे। नोटबंदी की ये घोषणा उसी दिन आधी रात से लागू हो गई। इस ऐलान के बाद कुछ ही देर में देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई थीं। लाल कृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पक्ष के सदस्य और भारतीय राजनीति में वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। भारतीय जनता पक्ष के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दौरान साल 1998 से 2004 तक आडवाणी देश के गृह मंत्री थे और बाद में उप प्रधानमंत्री बने। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म आज ही के दिन 8 नवंबर साल 1987 को कराची में एक हिंदू सिंधी व्यवसायिक परिवार में हुआ था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।